877 साल पहले ये गोकुलनाथ जी विराजे थे और अपना भागवत जी का और भ्रमर गीत का पान किया है। यहाँ वैष्णव बजाते हैं सब जगह रास, और यहाँ महाराज की एक तरह से दूसरी महाराज की रचना यही हुई है। यहाँ सब सखियों ने मिलके महाराज के संग में, श्री कृष्ण भगवान के संग में, ये झूला ठोर नहीं है, झूला है, हर सखी का झूला है, हर सखी के भगवान हर घर। यहाँ पर कितने श्रद्धालु दर्शनों के लिए आए हुए हैं, जो कि बहुत ही आनंददायक ये स्थान है रासौली। आज भी यहाँ पर रास होता है, तो जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। ऐसे दर्शन जो हम आपको करा रहे हैं, ये दर्शन आपको YouTube पर पहली बार ही मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो स्थान हैं वो इन स्थानों पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखें, राधा रानी और ठाकुर जी झूला झूल रहे थे, ये शंखचूड़ आया और दोनों को झूला सहित उड़ाए के ले गया। राधा को भैया श्रीधाम, सुनो तुमने श्रीधाम, ये जो श्रीधाम छे एक जीवन में दो रूप में रहे छे। इसलिए जगत में ब्रजवासी श्रेष्ठ होयो, श्रेष्ठ स्थान पायो, सही ब्रजधाम पे ही तुम बधा रहे हो। ये ब्रजधाम की महत्व जानकारी करना ही मनुष्य की बड़ा धर्म। जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण ब्रज 84 कोस में राधा रानी जी के 8 झूले हैं। तो हमने पहले आपको चंपक लता जी के झूले को दिखाया, और फिर दानगढ़, मानगढ़, और हमारे जो है संकेत वन में भी झूला था। अब आज हम आए हैं रसौली वन में। ये रास स्थली है रसौली गांव। यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ आखिरी झूला है ब्रज में, 13 झूला है, हर सखियों का श्रेष्ठ झूला है। यहाँ सबने मिलके सब जगह रास, और यहाँ महाराज की एक तरह से दूसरी महाराज की रचना यही हुई है। यहाँ सब सखियों ने मिलके महाराज के संग में, श्री कृष्ण भगवान के संग में, ये झूला ठोर नहीं है, झूला है, हर सखी का झूला है, हर सखी के भगवान हर घर पर गए हैं, हर द्वारे पे गए हैं, चंद्रावली के सबके घर में झूले ऐसे बने हुए हैं। इसको ठोर नहीं कहते, रास की जगह कहते हैं, और यही रासौली कुंड है या गोकुलनाथ जी की 8वीं बैठक है, गुप्त बैठक है। यहाँ चरण स्पर्श वगैरह होती है, जारी भरने का ज़्यादा सौभाग्य बहुत कुर्सी को मिलता है, इसको जय जमुना मैया की। तो चलते हैं और करते हैं इस रास स्थली के अद्भुत दर्शन और इस झूले के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। ऐसे दर्शन जो हम आपको करा रहे हैं, ये दर्शन आपको YouTube पर पहली बार ही मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो स्थान हैं वो इन स्थानों पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखें, यहाँ पर हो रहा है रास। ये देखिए कितना अद्भुत आप यहाँ पर देख रहे हैं रास, ये महारास हो रहा है। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर श्रद्धालुगण यहाँ पर बैठक जी की दर्शनों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखें कितना अद्भुत आप यहाँ पर रास देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और ये चलते भी हैं, रास करते हैं, और ये हैं उस झूले के अद्भुत दर्शन। तो आज हम आपको यहाँ पर महारास, बहुत ही अद्भुत महारास ये आप देखें, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर स्थापित है। संपूर्ण दर्शन आपको यहाँ पर कराएंगे महारास के। ये देखें, ये है झूला। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं रास चबूतरा, और यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर का बहुत ही लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, जहाँ पर आने में लगभग 1 से 2 घंटे हमें लग गए इस जाम में से निकलने से। यहाँ पर देखें आप, बसों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जो कि पेड़ों की वजह से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये है वही रास चबूतरा, जिस पर रास होता है। आज भी इस स्थान पर, यहाँ पर रासौली नाम से इस स्थान को जानते हैं, और ये स्थान अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ के और भी आगे के दर्शन आपको कराते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पर बहुत ही अद्भुत कुंड। ये देखें आप, ये है बहुत ही अद्भुत कुंड, और यहीं पर आप ये देखें, ये कितना भव्य, और इस ब्रज की जो रज है वो बड़ी ही अद्भुत है। यहाँ पर श्री गोवर्धन नाथ जी की बैठक है, और ये देखें आप, यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत
कुंड और यहाँ पर कर रहे हैं महाराज आचमन। तो कराते हैं आपको अवगत यहाँ की अद्भुत महिमा से। अब लीला सामलो पहला, चलो ये सामलो, लीला सामल लो। देखो राधा को भैया श्रीदामा, सुनो तुमने श्रीदामा, ये जो श्रीदामा छे एक जीवन में दो रूप में रहे छे। ये जो श्रीदामा है ये एक जीवन में दो जीवन जीता है। एक ये दैत्य है, इसको श्राप दिया है राधा रानी ने, और इसी ने राधा रानी को श्राप दिया है। आपस में एक दूसरे को श्रापित है सब। तो ये जो श्रीदामा है ये ही शंखचूर है। कौन है जो शंखचूर नामक दैत्य तुम सुनते हो? वो शंखचूर ही श्रीदामा है। राधा रानी के श्राप से वो शंखचूर है। अब काहे कि देखो रास मंडल, तुमने देखो यह रास मंडल और झूला को ठिकानो, झूला नु ठिकानो और रास मंडल। ये जो श्रीदामा है एक दिन शंखचूर के रूप में जब ठाकुर जी यहाँ पे रास कर रहे थे, और रास के चबूतरा पे देखो, रास चबूतरा के मध्य में झूला को ठिकानो है। यहाँ झूला कहाँ है? रास के बीच में धरा है। तो राधा रानी और ठाकुर जी झूला झूल रहे थे, ये शंखचूर आया और दोनों को झूला सहित उड़ाए के ले गया। रास में थे राधा और कृष्ण को सुखदेव जी एक गोपी के रूप में, यहाँ राधा नहीं कह रही भागवत जी में, एक गोपी संबोधन आले छे, एक गोपी, एक गोपी के संग एक कृष्ण को ये शंखचूर उड़ाए के ले गो। और ठाकुर जी ने उसका अपने पैर के अंगूठे से दबाए के बद संहार करके उससे वो मुक्त किया, मुक्ति दी। क्यों? श्रीधाम है, सारो है। तो यागु, हाँ ठाकुर जी को सारो है श्रीधाम। तो यागु मुक्त कियो। तो देखो ये रास कुंड है, और तुमको सब चीज लीला अनुभव कराई जा रही। देखो गोकुलनाथ जी आए के बिरा जी, और देखो रास को जो मंडल है उसके मध्य में ही झूला का ठिकाना है। तुमको अभी लीला समझाई, कहा समझाई कि शंखचूर उड़ाए के ले गया, रास मंडल सहित झूला के ठिकाने में झूले के सहित उड़ाए के ले गया। तो ठाकुर जी ने उसको चरण के अंगूठा से उसका मुक्त किया। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, और बोलो जमुना मैया की, और बोलो रास बिहारी लाल की, और बोलो राधा रानी की, और बोलो जमुना मैया की। मेरी गैया चलती तो जय हो जमुना मैया की। आयु आनंद ए रस पियो। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों अभी हम आ चुके हैं गोकुलनाथ जी की बैठक में। यहीं पर आप देखेंगे गोवर्धन नाथ जी की बैठक है और गोकुलनाथ जी की बैठक है, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर लगभग 10,000 लोग इस रासबन रासौली गांव में स्थित यहाँ पर ये जो बैठक है इसके बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेकों श्रद्धालुओं की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, जो बड़े ही प्रेम भाव से इस यात्रा को कर रहे हैं। और आज रासौली गांव में यह यात्रा आई है, तो आप यहां पर देख सकते हैं 24 वनों में ये वर्णन में रासवन आया है, और ये श्रीमद् भागवत में यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर देखते हैं अंदर के दर्शन आपको यहां कराते हैं। गोदनाथ जी का चौथा बैठक जी है, और यहाँ 472 साल पहले ये गोकुलनाथ जी बिराजे थे और अपना भागवत जी का और भ्रमर गीत का पान किया है। यहाँ वैष्णव पधारते हैं वही भेंट है, हमको कोई भेंट की या नौछावर की लालसा नहीं है। आप पधारे वही गोकुलनाथ जी की और हमारी प्रसन्नता है। फिर से बोलता हूँ सब चाय पी के जाना, बाथरूम भी की व्यवस्था है, यहाँ कोई भेंट की आशा नहीं है, भेंट की व्यवस्था नहीं है, जरूरत भी नहीं है। 100 बात की एक बात। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही वो बैठक है जिसके बहुत ही अद्भुत दर्शन है, गोकुलनाथ जी की बैठक। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय की व्यवस्था है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से निकल के जाएंगे, ये देखें यहाँ पर खुद चाय बनाकर और इन श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। बहुत ही
तो आपने यहाँ के किए बहुत ही अद्भुत दर्शन। अब पूछते हैं यहाँ पर भक्तों का भाव किस तरीके से ये भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद कैसा उनको प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको इस ब्रज क्षेत्र में आके? अच्छा है, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत सारा सा आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जय श्री, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आपको पता है यहाँ पर कौन से दर्शन है? गोकुलनाथ जी के दर्शन है, बैठक जी चतुर्थ गुरु जी के, गोकुलनाथ जी की बैठक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने श्रद्धालु दर्शनों के लिए आए हुए हैं, जो कि बहुत ही आनंददायक ये स्थान है रासौली। आज भी यहाँ पर रास होता है। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ आपको एक और अद्भुत दर्शन कराते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने श्रद्धालु लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको यहाँ के अद्भुत दर्शन। तो अभी हम आ चुके हैं रास बिहारी जी के दर्शनों के लिए। ये रास बिहारी जी यहाँ पर विराजमान हैं और उनके दर्शन आज आप यहाँ पर करेंगे। ये देखें आप, ये रास बिहारी जी हैं, बहुत ही अद्भुत ये रास बिहारी जी हैं। जय हो रास बिहारी जी की। और यहीं पर ये आप देख सकते हैं रास बिहारी राशेश्वरी मंदिर। ये देखें श्री कृष्ण जी और राधा जी का बहुत ही अद्भुत ये दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहीं पर गुरु महाराज जी के अभी स्थान है, जो कि इस स्थान से अलग है। यहाँ रासौली स्थान पर आ चुके हैं और यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनके श्रीमुख से और उनके पवित्र हृदय से मधुर वाणी में आप रास बिहारी जी के अद्भुत यहाँ की महिमा सुनेंगे। यहाँ पे रास हो, भगवान श्री कृष्ण सारोदिया रास करी थी। ये पहले स्थान और ये सामने है कुंड। ये रास की बखानी बाबा बहुत लंबाई, क्यों हमारा मनुष्य ये जो गोकुलनाथ की दर्शन करने आयो, गोकुलनाथ किसके तपस्या करी थी भगवान को, सही भगवान यहाँ पे रास करी थी। सारे मनुष्य को ज्ञान दान करी थी, जो ज्ञान की कहा जाए गोपिया भजन, गोपिया भजन कहा जाए। ये गोपिया भजन ही समस्त गोपनीय वस्तु, भागवत की गीता की सभी गोपनीय वस्तु, सही वस्तु ही यहाँ पे सिखायो भगवान अपना सबको। इसलिए जगत में ब्रजवासी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान पायो। सही ब्रजधाम पे ही तुम बधारे हो। ये ब्रजधाम की महत्व जानकारी करना ही मनुष्य की बड़ा धर्म। हमरा जहाँ पे ही हो सभी तो हमारा मनुष्य, सभी उसके अधीन, उसके पराधीन और उसके ही भजन तपस्या करना ही हमारी काम है। ये जो वल्लभाचार्य देखो, वल्लभाचार्य गुजरात से बंगाल जाके महाप्रभु को साथ जोड़ गया था। इसके बाद बहुत बाद में गोकुलनाथ की जन्म हुए। तो हम क्या कहे जो हमारी वैष्णव की खानदान अभी तक वैष्णव हुआ पे चल रहा है। तो सही स्थान पे तुम्हारा दर्शन कर रहे हो, इसके महत्व तो गुरु से ही जानकारी करो जे क्या महत्व तो है, किस लिए जान जरूरी है। यही भजन यही तपस्या, ये छोड़ के यार मनुष्य के हाथ में कुछ ना आई, इतना तो क्या रखो। तो जैसा कि आपने यहाँ पर रास बिहारी जी के अद्भुत दर्शन किए और उसकी महिमा को जाना, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर एक और दर्शन है, उसके भी दर्शन आपको कराते हैं। ये देखिए कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन यहाँ पर श्री कृष्ण जी यहाँ पर भजन कर रहे हैं। और ये स्थान भी बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। यहाँ के जो पेड़ हैं ये भी बिल्कुल अद्भुत हैं। और ये जो स्थान है ये रास करने का स्थान है। यहाँ पर इस ब्रज क्षेत्र में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना अलौकिक और दिव्य ये रासौली है। तो ये जो स्थान है ये होटल के पास में पड़ता है। जब हम कोसी से कोटवन आते हैं, कोटवन के पास भी ये स्थान रासौली है। यहीं पर आखिरी झूला बताया जाता है
राधा रानी जी का झूला आखिरी झूला है। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ एक बार पुनः आपको कराते हैं उसी झूले के दर्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गोकुलनाथ जी की बैठक, जो कि यहाँ पर जो श्रद्धालु जन हैं ये दर्शनों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं लाइन में। और हाथ उठा के जोर से बोलो राधे 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 राधे। यूट्यूब पर राधे 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 यमुना जी ने माइक तो बंद रखा है। कासलीना बैठक थी, उसको चबूतरा अलग देखो और झूला को ठिकानो अलग देखो। यहाँ देखो रास को चबूतरा है ये और ये झूला को ठिकानो है, क्योंकि ठाकुर जी को झूला और रास के सहित उड़ाई के ले गया था शंखचूड़, और ठाकुर जी ने ये रास मंडल को पैर से नीचे दबाए के उसको उसका उद्धार किया। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, और बोलो रास रास बिहारी लाल की, अरे राधा ढूंढ रही और किसी ने मेरा, बस गोल गोल घूम ले प्यारे। तो आप यहाँ पर कर रहे हैं रास बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन, जो कि इस रासौली गांव में स्थित हैं। यहीं पर ये श्री कृष्ण जी अनेकों रूप बनाकर यहाँ पर रास कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत ये गांव रासौली गांव, जहाँ पर श्री कृष्ण जी की आज भी लीलाएं होती हैं। आज भी यहाँ पर श्री कृष्ण जी 5500 साल बाद भी इसी स्थान पर रास करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे कैसे पेड़ हैं और ये कैसा अद्भुत आनंद यहाँ पर दे रहे हैं। जय हो जय हो। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं यही वो झूला है, बहुत ही अद्भुत। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, जिससे वे भी इस रासौली गांव की इस अद्भुत महिमा को जान सकें। यहाँ की कितनी अद्भुत महिमा है, इस ब्रज क्षेत्र में एक एक गाँव एक एक कण से हम आपको मिलाएंगे। संपूर्ण ब्रज दर्शन हर उस स्थान पर पहुँचेगा जहाँ पर और बाकी चैनल नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि वे भी लाभ ले सकें और कृष्ण जी की अलौकिक महिमाओं के बारे में जान सकें। तो ये आप एक बार में पुनः इस रास स्थली के आपको दर्शन कराता हूं, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। तो चलते हैं और आगे के दर्शन आपको हम कराते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपको ये दर्शन हो रहे हैं। राधे श्याम बांके बिहारी लाल की जय।